नमस्कार दोस्तों, कई बार हमें सियाटिका प्रॉब्लम के साथ बटक्स में भी पेन होता है। मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड में सियाटिका का पेन है, मेरे पैरों के पीछे में खिंचाव हो रहा है, और उसके साथ में कई बार हमारे बटक्स में भी, लेफ्ट साइड के बटक्स में भी पेन रहता है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से सियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सियाटिका केवल स्लिप डिस्क या फिर डिस्क हर्निया की वजह से ही हो, सियाटिका पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम के वजह से भी होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से इसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, सियाटिका मतलब कि हमारे पैरों में सियाटिक नर्व होता है, वो कहीं पर भी कंप्रेस हो जाए तो उस कंडीशन को हम सियाटिका बोलते हैं। सियाटिक से सियाटिका, यानी कि जब वो कंप्रेस हो जाता है तो जहाँ जहाँ वो नस हमारे पास होता है, यानी कि हमारे जांघ के पीछे की तरफ से होके पैरों के पीछे से होते हुए हमारे फुट में सप्लाई करता है, तो जितना ज़्यादा कंप्रेस है वो उतना ज़्यादा दूर तक वो हमें खिंचाव महसूस होगा। अगर ज़्यादा कंप्रेस्ड है तो हमारे पूरे पैर लोअर लेग तक जाएगा, अगर कम कंप्रेस्ड तो हमारे थाइस के पीछे तक ही वो पुलिंग सेंसेशन या पेन या झंझनाहट सा बना हुआ रहेगा। तो ये सियाटिक नर्व का कंप्रेशन का कुछ रीजंस, कॉमन रीज़न है सियाटिक, ये सबसे कॉमन रीज़न है लंबर डिस्क बल्ज। लेकिन एक और कारण है जो कि यूजुअली इग्नोर हो जाता है, जिसे हम पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं। हमारे बटक्स के बगल में एक फ्लैट मसल्स रहता है, जिसे हम पायरीफॉर्मिस मसल्स बोलते हैं। तो वो जो सियाटिक नर्व है वो हमारे कमर से निकलते हुए जब हमारे बटक्स एरिया से गुजरता है तो उस फ्लैट मसल्स, उस पायरीफॉर्मिस मसल के बीच से होते हुए पास होता है। तो जो लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब्स होते हैं या फिर ड्राइविंग का जो जॉब्स होता है, जिसमें हमें घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे उस मसल्स में स्टिफनेस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस नस को दबाना शुरू कर देता है। जब मसल स्टिफ हो जाएगा तो उस नस को भी दबाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सियाटिका का सिम्टम्स आता है। तो हमें इस पायरीफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करना है और किसी तरह से रिलैक्स करना है, जिससे आपको बटक पेन भी कम हो जाएगा और आपका सियाटिका का सिम्टम्स भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पायरीफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच कैसे करेंगे। सिंपल है, आप इस तरह से लेट जाएंगे। इस लेटे हुए पोजीशन में जिस साइड में आपको दर्द है, लेफ्ट साइड में मेरा दर्द है, तो मैं लेफ्ट पैर को इस तरह से उठा लूँगा और अपने पैरों को अपने राइट नी के ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगा। फिर मैं अपना दोनों हाथ लूँगा, क्लास्प करूँगा और इसे नी को इस तरह से पकड़ लूँगा। फिर इसे मैं डायगोनली, यानी कि मैं इसे सीधा नहीं खींचूँगा, इसे डायगोनली अपने इस कंधे की डायरेक्शन में खींचूँगा। ये देखिए, इसे खींचूँगा और वहाँ तक खींचूँगा जहाँ आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच इस पोर्शन में फील हो रहा हो। मुझे इस पोर्शन में एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा है, इसे उस पॉइंट तक खींचे और इसे कम से कम 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। अगर आप एक मिनट होल्ड करके रखेंगे तो और अच्छा है, और इसे एक मिनट तक या से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स छोड़ दें। आधा मिनट रिलैक्स होने के बाद फिर से आप ये दोहराएं, सेम प्रोसेस को आप दोहराएं, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसलिए इसे 3 से 4 बार एक्सरसाइज में आप रिपीट करेंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है वो सियाटिका का सिम्टम्स के लिए है। तो अब मैं अगला एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, नी टू चेस्ट। अगर मान लीजिए आपको इस साइड में, तो इस साइड भी आपको सेम एक्सरसाइजेस दोहराना है। तो अगला जो एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। सिंपली आप नी को इस तरह से बेंड कर लेंगे, अपने हाथों से दोनों हाथों से नी को इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर इसे आप चेस्ट की तरफ इस तरह खींचेंगे। ठीक है, खींचेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से पकड़ेंगे, चेस्ट की तरफ इसे खींचेंगे, फिर 5 सेकेंड होल्ड करके फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से आप एक सेशन में 10 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, आप दोनों तरफ नहीं करेंगे, दोनों एक तरफ एक साथ इस तरह से नहीं करेंगे, आप एक ही तरफ इस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस में दोनों तरफ इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं इस कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, मैं दोनों नी को बेंड करके चेस्ट, नी टू चेस्ट वाला एक्सरसाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंगल नी को इस तरह से चेस्ट की तरफ पुल करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है डबल नी बेंडिंग एक्सरसाइज। सिंपल है, इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, दोनों नी को बेंड कर देंगे और फिर
इसे आप राइट साइड बेंड करेंगे। देखिए मैं राइट साइड अगर मैं नी को बेंड किया हूँ तो मैं अपना फेस को, अपना नेक को है मैं लेफ्ट साइड इस तरह से बेंड करूँगा, ठीक है। उसी तरह से अपोजिट लेफ्ट साइड अगर मैं बेंड करता हूँ नी, तो लेफ्ट राइट साइड अपने फेस को बेंड कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको स्मूथली स्लोली एज इफ स्विंगिंग, जैसे आप स्विंग कर रहे हैं उस तरह से आपको ये दोहराना है एकदम स्मूथली एंड स्लोली, ठीक है। इससे आपका जो भी स्टिफनेस है बटक्स के एरिया में, लोअर बैक के एरिया में, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज है सिंगल नी रोटेशन। उसके लिए आप अपने एक नी को बेंड कर लेंगे और इसे इस लेग के इस पार रख देंगे इस तरह से, और फिर आप इस तरह से राइट साइड आप अपने नी को रोटेट करेंगे और अपना फेस जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे इस तरह से। सेम चीज़ आप इस तरफ भी दोहरा लें, मैं इसको दोनों तरफ दोहराने का रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप अच्छी तरह से प्रोसेस को नोट कर लें। इससे आपका दोनों बटक्स और लंबर रीजन यानी कि लोअर बैक रीजन का मसल में जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसे कम से कम आप 10 बार दोहराएं एक सेशन में, 10 से 15 बार मिनिमम आप दोहराएं। अगला जो एक्सरसाइज है वो है सियाटिक नर्व स्ट्रेचिंग। हमारा जो सियाटिक नर्व होता है उस नर्व को स्ट्रेच करना है। इस चीज़ के लिए आपको एक टॉवल चाहिए, आप बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप टॉवल लेंगे और इसका दोनों किनारा को आप अपने हाथों में इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर आप टॉवल का मिडिल पोर्शन लेंगे और जिस लेग को आपको स्ट्रेच करना है उस लेग में आप फुट में इस तरह से बॉल ऑफ टोज के ऊपर में इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे बॉल ऑफ टोज होता है, बॉल ऑफ टोज में टॉवल का मिडिल पोर्शन रख देंगे। फिर इस तरह से आप अपने घुटनों को सीधा करेंगे, आपको एक स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा अपने लोअर लेग और थाई के पीछे में। इस पोजीशन को जितना हो सके आप सीधा करने की कोशिश करें, नहीं जहाँ पे आपको लगता है कि कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ पे आप रुक जाइए और फिर इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। फिर से यही प्रोसेस को दोहराएं, इस तरह से करें, अपनी नी को जितना हो सके खींचने सीधा करने की कोशिश करें और दोनों हाथों से टॉवल को, फुट को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसलिए इसको 3 से 4 बार आप एक सेशन में दोहराएंगे, ठीक है। जाते जाते मैं एक और टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कोई एक बढ़िया सा मलहम ले लें, दर्द का मलहम, उसे बटक की एरिया में जिस तरफ दर्द है उस तरफ अच्छी तरह से मल लें। रात को सोने से पहले अच्छी तरह से मल लें, 10 मिनट छोड़ दें अच्छी तरह से, जब वो ऑइंटमेंट अब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद फिर वहाँ पे गर्म सेक दें। तो ऑइंटमेंट एक मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, ऊपर से गर्म सेक भी एक मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। तो जो पायरिफॉर्मिस मसल में जो किसी भी प्रकार का स्टिफनेस है वो धीरे 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 वो रिलीज होगा। एक्सरसाइज प्लस ये टिप्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा। ये सब टिप्स को अपनाइए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप नीचे कमेंट दें, अपना कमेंट से बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ। और अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स, एक नीचे एक बटन है सुपर थैंक्स के ज़रिए आप छोटा सा अमाउंट दे करके आप मुझे थैंक्स भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।